हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कल अपन ने सहभोजिता टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हमारा टॉपिक है सहपोकारिता। सहपोकारिता में क्या होता है? इस पारस्परिक क्रिया से परस्पर क्रिया करने वाले दोनों जातियों को लाभ होता है। मतलब क्या होता है कि दोनों जातियों को लाभ होता है, कि ना किसी को हानि होती है ना किसी को कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, कवक और प्रकाश संश्लेषित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहकारी संबंध का उदाहरण लाइकेन में देखा जा सकता है। ये क्या बोल रहा है कि जो कवक और शैवाल होता है ना, कवक और शैवाल, उसका जो संबंध होता है ना, वो सब कारिकता का उदाहरण है। उसमें जो कवक होता है ना, वो मालिक की तरह व्यवहार करता है, और शैवाल प्रकाश संश्लेषित होता है, भोजन निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद में इस प्रकार कवकों और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल सहचारी हैं। कवक मृदा से अत्यावश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण में पादपों की सहायता करते हैं, जबकि बदले में पादप कवकों को ऊर्जा इत्यादि कार्बोहाइड्रेट देते हैं। इसमें ये क्या बोल रहा है, कवक जो होते हैं ना, वो पादप को मृदा से अवशोषित करते हैं खाद्य पदार्थ, और जो पादप होता है वो कवक को कार्बोहाइड्रेट देता है। तो इन दोनों को लाभ होता है, मतलब कवक और पादप दोनों को लाभ होता है। ठीक है, सहकारिता के सबसे शानदार और विकास की दृष्टि से लुभावने उदाहरण पादप प्राणी संबंध में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट हो सकता है कि सहकारिता के सबसे शानदार और विकास की दृष्टि से लुभावना उदाहरण कौन सा है, तो पादप प्राणी संबंध में पाए जाते हैं। पादपों को अपनी पुष्प परागित करने और बीजों को परिकरण करने के लिए प्राणियों की सहायता चाहिए। स्पष्ट है कि पादप को जिन सेवाओं अपेक्षा प्राणियों से, उसके लिए शुल्क तो देना होगा। पुरस्कार तथा शुल्क के रूप में परागणकारी पॉलिनेटर को पराग या मकरंद द्वारा प्रकीर्णों को रसीले और पोषक फल देते हैं, लेकिन परस्पर लाभकारी तंत्र की धोखेबाजी से रक्षा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, ऐसे प्राणी जो परागण में सहायता किए बिना ही मकरंद चुराते हैं। आप देख सकते हैं कि पादप प्राणी पारस्परिक क्रिया है में सहकारिता की प्राय सविकास क्यों शामिल है। अर्थात पुष्प और उसके परागणकारी जातियों के विकास एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। ये क्या बोल रहा है कि जो सहकारिता है ना, उसमें जो दोनों जातियां ना, वो सविकसित, सविकास, सभाजित, मतलब क्या होता है कि उन दोनों जातियों का साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो दोनों साथ साथ नहीं रहेंगे तो वो दोनों नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अंजीर के पेड़ों की अनेक जातियों में बर की परागणी जातियों के बीच संबंध मजबूत संबंध है। ये भी सहकारिता का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अंजीर के पेड़ और उनके जातियों के बर के परागणकारी जातियों के बीच मजबूत संबंध है। इसका अर्थ है कि कोई भी दी गई अंजीर जाति केवल इसके साथ ही बर की जाति से ही परागित हो सकती है, बर की दूसरी जाति से नहीं। मादा बर फल को न दे केवल अंड निक्षेपण, अंड देने के काम में लेती है, बल्कि फल के भीतर ही वृद्धि कर रहे बीजों को डिंबकों के पोषण के लिए प्रयोग करती है। ये क्या बोल रही है कि जो मादा होती है ना बर, वो जो अंजीर का फल होता है उसको पकाती ही नहीं है, जो अपनी जो संतति होती है वो उस अंजीर के पेड़ के अंदर ही देती है, और जो अंजीर के जो बीज होते हैं ना, वो उस उन मादा बर के संतति को पालन पोषण करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थल की तलाश करते हुए बर अंजीर पुष्परम के परागित करती है। उसके बदले में अंजीर अपने कक्ष परिवर्तनशील बीज को डिंबकों को आहार के रूप में देती है। ठीक है, उसके बाद में आर्किड पुष्प प्रतिरूप क्या आश्चर्यचकित कर देने वाली विविधता दर्शाते हैं, जिसमें अनेक सही परागणकारी कीट ब्रह्मों गुंज मक्षिकाओं को आकर्षित करने के लिए विकसित हुए हैं, ताकि इसके द्वारा निश्चित रूप से परागण हो सके। सभी आर्किड या पुरस्कार पेस्ट नहीं करते, ऑफ्रिश नाम भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन आर्किड मक्षिका के बीज एक जाति परागण कराने के लिए लैंगिक कपट या सेक्सुअल डिसीट का सहारा लेना इस पुरुष की एक पंखड़ी के सहज रंग और चिन्हों में मादमक्षिका से मिलती जुलती है। ये क्या बोल रहा है कि जो आर्किड का वृक्ष होता है ना, जो वो फीमेल कैंडिडेट है उसको आकर्षित करने के लिए अपनी एक पत्ती का आकार है ना, मेल कैंडिडेट जैसा कर देते हैं। सॉरी, ये बोल रहा है कि जो आर्किड है ना, वो मेल कैंडिडेट को आकर्षित करने के लिए अपनी एक पंखुड़ी का आकार है ना, मक्षी का मतलब फीमेल जैसा कर देता है, ताकि जो मेल है ना वो आकर्षित हो सके। और इसमें क्या होता है, लैंगिक कपट मतलब सेक्सुअल डिसीट का यूज़ करता है कौन, आर्किड। ठीक है,
नर मक्षिका इसे मादा समझकर इसकी ओर आकर्षित होती है। पुष्प के एक साथ कटु मैथुन कूट मैथुन करती है। इस प्रक्रम के दौरान इस पर पुष्प से पराग जड़कर उस पर लगे पराग डालती है, ठीक है। उसके बाद में इसमें कूट मैथुन का यूज होता है, ये भी आ सकता है कि कूट मैथुन किस में यूज होता है, सब कारितम यूज होता है, ठीक है। और इस प्रकार पुष्प को परागित करती है, मगर विकास के दौरान किसी भी कारण से मादा मक्षिका का रंग प्रतिरूप जरा सा बदल जाता है, तो परागण की सफलता कम होती है। तब आर्किड पुष्प अपनी पंखुड़ी को मादा मक्षिका के सदृश बनाए रखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि जो आर्किड है ना, वो हमेशा मादा मक्षिका पर ध्यान रखता है कि वो अपना रूप कैसे चेंज कर रही है, ताकि वो भी अपना रूप चेंज कर सके, ठीक है। उसके बाद में आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमारी जो इकोलॉजी चैप्टर की फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। अब अपन इसकी जो समरी है वो भी पढ़ लेते हैं। पारिस्थितिकी जीवों को अपने पर्यावरण के अजीवी भौतिक रासायनिक कारकों और जैविक घटकों के संबंधों का अध्ययन है। ये जीव विज्ञान की शाखा है और जीव विज्ञान संगठन के चार स्तर हैं। अपन ने पढ़ा था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी, बायोम, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, ठीक है, पॉपुलेशन, ये चार समस्या मैंने आपको क्रम बताया था, ठीक है। ताप, प्रकाश, जल और मृदा पर्यावरण के सबसे प्रासंगिक कारक है। जो ताप है वो सबसे प्रासंगिक कारक है, ये भी बताया था मैंने। जिनके प्रति जीव विभिन्न प्रकार से अनुकूलित है, जीवों द्वारा आंतरिक पर्यावरण होम्योस्टेसिस को स्थिर रखने के लिए जो होम्योस्टेसिस बना के रखते हैं उन्हें यूरीथर्मल और जो नहीं बना के रखते उन्हें स्टेनोथर्मल कहते हैं। लेकिन परिवर्तनशील बाह्य पर्यावरण के संदर्भ में केवल कुछ ही जीव होम्योस्टेसिस के लिए सक्षम होते हैं। जीव अपने आंतरिक पर्यावरण का आंशिक रूप से नियमन कर लेते हैं तथा केवल अनेक अनुरूप कर लेते हैं। कुछ अन्य जातियों ने स्थान प्रवर्षण और समय ग्रीष्म निष्क्रियता शीत निष्क्रियता, अपने बताया था ग्रीष्म निष्क्रियता किस में घोंघे और मछली में, शीत निष्क्रियता किस में पाई जाती है भालू में, और उपरती डाइपोज अपन ने जूप्लैंक्टन का देखा था, एस्टिवेशन हाइब्रिडेशन में प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए अनुकूल विकसित कर लिया जाता है। आपको ये होना चाहिए कि आप जब समरी पढ़े ना तो आपका सारा क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैंने ये पढ़े। अब सबसे पहले मैं आपको शुरू से बता देती हूँ कि इस पूरी यूनिट में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है। एक तो आपको जो सहकारिता सहभोज्यता इनके एग्जाम्पल का ध्यान रखना है, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को अंडरलाइन कर लीजिए। इस टेबल में 101% नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप प्लस माइनस का सहकारिता के क्या है, सहभोज्यता के क्या है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और सेकेंड नंबर आपको फिर इस ग्राफ का ध्यान रखना है, और इस ग्राफ में जो ये एन आर ई किसको डिनोट करते हैं, ये वाले आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये वाला भी ध्यान रखना है आपको, इसमें ये बी आई समष्टि वृद्धि का ये फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है। आफ्टर देन ये वाले, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखना, इनको अच्छे से देख लेना इनको। उसके बाद में अनुकूलन को भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि अनुकूलन में भी आ जाता है आकारिक, इकारिक और व्यवहारिक आधार पर क्या क्या अनुकूलन है। उसके बाद में ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखना। कुछ कुछ लाइंस जो मैंने आपको पहले अंडरलाइन करा दी कि उनका ध्यान रख लेना, और बाकी ऐसा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। और मोस्टली क्वेश्चन आ जाते क्योंकि इकोलॉजी चैप्टर बहुत अच्छा वेटेज रखता है नीट एग्जाम में, और आपको ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। एंड इकोलॉजी चैप्टर के मेरी टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाके उसकी प्रीवियस उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। और कुछ नहीं है, फिर नेक्स्ट क्लास से अपन अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे जो है पारितंत्र, ठीक है। अपन ये स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम, ये भी बहुत अच्छी यूनिट है। सो थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू वेरी मच।